दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे लगा नहीं करेंगे हो रब दी कसम यारा रब दी कसम। दोस्तों 2007 की रोमकॉम फिल्म वेलकम उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म में अक्षय, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, परेश रावल और राजपाल यादव की जबरदस्त कॉमेडी ने कई रिकॉर्ड बना डाले थे, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इस फिल्म के विलन का रोल बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। आपको बता दें कि ये रोल फिरोज खान ने निभाया था और फिल्म में उनका नाम RDX था, जिसका फनी अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया था। हम ये तो जानते हैं कि बॉलीवुड में फिरोज खान के बेटे फरदीन खान काम कर चुके हैं, लेकिन ये बेहद ही कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता की एक बेटी भी है जो बेहद ही खूबसूरत है। आपको बता दें कि फिरोज खान की बेटी का नाम लैला खान है और इनकी खूबसूरती किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है। हालांकि वे अपने भाई और पिता की तरह फिल्मी दुनिया में एक्टिव नहीं है। दरअसल लैला का परिवार यानी कि उनके पिता और भाई ये नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे, क्योंकि उनके परिवार को ये ठीक नहीं लगता था। हालांकि लैला ने इस बात पर कभी आपत्ति नहीं जताई और पेंटिंग को अपना करियर चुना। बता दें कि लैला एक बहुत ही अच्छी पेंटर है और उनकी पेंटिंग न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रदर्शित की जाती है। वैसे तो ये वाकई गर्व वाली बात है कि फिल्मों से दूर रखे जाने पर भी लैला खान ने अपना टैलेंट के बलबूते पर अपना नाम कमाया है। हालांकि अगर इनको एक्टिंग में मौका मिलता तो ये भी अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के जरिए काफी सुर्खियां बटोर सकती थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, लैला में एक हीरोइन बनने के सारे गुण हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको लैला की खूबसूरती पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में लैला खान लिखकर कमेंट करें। साथ ही ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।